गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और मेरे चैनल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह ही प्रीशा को नहला दी हूँ और ये देखो कैसे बदमाशी कर रही। क्या हो गया, बोलो बोलो। आज है पतिदेव की छुट्टी, तो आज अभी इतनी गर्मी हो रही है ना कि कहीं जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। मतलब अगर आप बालकनी में निकल जाओ ना तो ऐसा लगता है ना कि आपका पूरा शरीर मुँह सब जल जाएगा। सच में यार, जो बाहर जा कर के अभी जॉब कर रहे हैं, पहले मैं भी करती थी, लेकिन जब हैदराबाद में भी गर्मी होती है लेकिन इतनी भयानक वाली गर्मी नहीं होती है। और यहाँ पर तो गर्मी मतलब हद हो रही है। हद क्या हो गया बेटा, क्या हो गया आपको? चीची कर दिया आपने? ये देखो इनकी छुट्टी है। और क्या खा रहे हो प्रिशा, आप दोनों? क्या है, क्या है प्रिशा? क्या मजा आ रहा है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। आज मैं थोड़े दूसरे स्टाइल में बना रही हूँ और मैं सीख रही हूँ अभी ये, क्योंकि ना मेरी कढ़ी वैसे नहीं बनती थी, तो इसलिए मैं आज दूसरे स्टाइल से कढ़ी सीख रही हूँ। और जो सिखा रही हैं वो है संगीता दी। ये आ गई फोन देख करके। अरे हरी हरी, रुक जा बोल देंगे, रुक जा। क्या चाहिए? वो पकौड़ियाँ देख रही है ना, इसका मन लालच नहीं। ये देखो, सीख लो, बनाकर दोबारा खिलाना, तब तो बताइए। हाँ। तुमने इनके साथ बनाया नहीं? बनाया। हाँ, सीख रही हूँ। तो खड़ी किस लिए हूँ? ये तो मैं आराम से बैठ नहीं जाती। खड़ा होने से थोड़ी होता है। हाँ, मैं बैठ जाती। मैं तो कह देती दीदी दे दो मुझे कढ़ी बना करके ना। नहीं, वो मना कर देती। दो बार मांग के देखो, तीसरी बार मना कर देंगे। मन नहीं करूंगी, तुम 10 बार मांग लो तब भी नहीं मना करूंगी। मना करना पड़ता है कई बार चीजों का, समझती नहीं है। ऐसे फ्री फंड इसको आदत है, प्रीशा को तो देनी पड़ेगी। आदत पड़ जाएगी, प्रीशा थोड़ी मांगेगी। प्रीशा मांग लेती है, बड़ी गंदी है वो भी। बच्चों के सहारे उसकी मम्मियाँ फायदा उठाती है। मम्मियाँ क्या फायदा उठाती है? तो यहाँ पर खाना खा करके और सभी लोग सो गए थे। दोपहर का टाइम है, आज पतिदेव की छुट्टी है, तो वो भी सो गए और प्रिशा भी सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं सोची कि कैसे भी टाइम पास करूँ, तो फिर मैं अपनी शादी के वीडियो वगैरह देखने लगी और यहाँ पर दोनों उठ गए। तो आगे का प्रोग्राम क्या है सर? निशा बताएगी। निशा बताएगी निशा, आगे का प्रोग्राम क्या है? मैम मैम प्लीज, चाय बन रही है, चाय पीनी है आपको? मैं आउट करके बैठी हुई हूँ, तब से मैं वेट कर रही थी, बहुत देर से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे दोपहर में नींद नहीं आती है। दिक्कत ये है मेरे साथ। दिख रही हूँ मैं दिख रही हूँ आपको? देखना, दिख रही हूँ, बोलो यार, बताओ। ऋषा, मैं आपको दिख रही हूँ? फिर मैंने धीरे धीरे सोचा क्या करूँ, तो मैंने एक शादी का वीडियो मिला मुझे, तो मैंने उसको पोस्ट किया। अब मैं, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं अपने शादी के सारे वीडियो YouTube पे डालूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। अब मैं फिर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा ना, फिर मैं डालूँगी वीडियो। जा,
फिर से जा 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 बाय शिशु, क्या कर रहे हो वैसे? अच्छा नोजी आ गया उसे। शिशा डीओ लगाना है आपको? हम जा रहे हैं बाहर, कहीं नहीं जा रहे हैं, सब्जी लाने जा रहे हैं। ये ऑफ के दिन यही काम करते हैं, ये कहीं नहीं ले जाते हैं, सब्जी ले आओ। इससे अच्छी तो बैचलर लाइफ थी, ऑफ के दिन कहीं घूमने तो चले ही जाते थे हम लोग। हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेडी होकर के, और फिर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ और पहनने की इच्छा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पतिदेव शूट कर रहे थे और मैं पूरे बाल को अच्छे से बांध रही हूँ जुड़ा, क्योंकि यार पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पसीने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने पूरा जुड़ा कर लिया है। और लगभग टाइम ना मैं ऐसे ही रहती हूँ जुड़ा करके, और हम लोग जा रहे हैं मार्केट और वहाँ से सब्जी वगैरह ख़रीदेंगे और फिर उसके बाद घर आकर के खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पतिदेव से कह रही थी कि आप चले जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रेशर को लेकर के जाना और सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो सब लोग मार्केट चलते हैं और घूम के आते। मैंने बोला ये कैसा घूमना है, ये देखो ये है क्या है, यहाँ पर क्या मिलती है, सब्जियाँ। हाँ सब्जियाँ मिलती है यहाँ पे। हाँ पहले घूम घूम के सब्जी ले भी लेते थे और अब ये लेने नहीं देती है, तो मैं एक जगह इसको लेकर के खड़ी हो जाती हूँ और फिर पतिदेव जाते हैं, वो सब्जी लेकर के आते हैं खरीद कर। ये देखो आ गई ना पुलिस, आ गई ना, पकड़ के ले जाएगा आपको। नहीं 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 पुलिस बदमाशी नहीं करती है, नहीं करती है बिट्टू मेरा बदमाश। आ खड़ा हो जा, बहुत गर्मी है यार, बहुत। हेलो कर दो, हेलो तो कर दो एक बार, यीशु हेलो कर दो। हम लोग लेकर के आए सब्जी और सारी चीज़ें और अब बना रहे हैं मटर पनीर। इतनी गर्मी में नहीं 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 क्या मम्मा मम्मा क्या मम्मा मम्मा उसको गर्मी लग रही फिर भी यही बैठ रहा है उसे। सो गाइस अभी मैं खाना बना करके आई हूँ और आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कई दिनों से इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग उस आईडी पे रिपोर्ट करोगे तो मे भी हो सकता है कि वो आईडी को ब्लॉक किया जाए। अब आपको मैं बताती हूँ, मैं बगल में ना स्क्रीन शॉट लगा दे रही हूँ। देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ सब लोग जैसे भी हो, हर कोई चाहता है कि वो पैसा कमाए, हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, हर कोई चाहता है, ठीक है। आज हम जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जितने भी देख रहे हैं, वो बहुत मेहनत किए हैं तब जाकर के आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कोई भी चीज़ करने में, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मतलब हाथ धो करके पीछे पड़ जाते हैं। एंड इवन कल जो कमेंट आया था ना, उसको तो मैंने हाइड किया है। आपको पता है
उसमें ना उन्होंने गाली तक लिखी है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि उस आईडी को अगर आप लोग जितने भी मेरे सपोर्टर्स हो, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि उस आईडी को आप लोग रिपोर्ट करें। एंड नाम भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये भी बता दूँ कि अगर मैं पता लगा ली कि आईपी एड्रेस कहाँ का है, क्या है, तो मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को कमेंट में आकर के गालियाँ लिखते हो और सारी चीज़ें कहते हो। भाई मैं अगर यहाँ पर आई, मतलब सोशल मीडिया पे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो आप ऐसे ऐसे लैंग्वेज का कैसे यूज़ कर सकते हो? आप एक बार ये तो सोचो कि मैं अगर कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं कोई अटपटी चीज़, बेकार चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ जिससे निगेटिव इम्पैक्ट जाए सोसाइटी पे, या फिर सोशल मीडिया पे किसी को बुरा लगे, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि कल जो आपने कमेंट किया था, अच्छा बाकी सारे कमेंट्स तो अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, लेकिन वो कमेंट जो कल किया था इन्होंने, वो कमेंट मैं नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि उसमें गालियाँ लिखी गई थी एंड वो फिर गलत इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी को हमारे। लेकिन अब दो आईडी है, ठीक है, एक है PSK चैनल, ठीक है, और एक है स्टडी मटेरियल PSK चैनल, ठीक है। ये दो आईडी है। आप जब मेरे कमेंट सेक्शन में जाओगे ना किसी भी वीडियो में, तो इनका कमेंट ज़रूर रहेगा एंड साथ में वो क्या क्या लिखते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो जो भी भैया दी जो भी हैं, भाई आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बता दो, ठीक है। मैं नाच करके या फिर मैं आ गई मोहतरमा आ गई सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है? हर कोई डांस करता है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा डांस एक कला है जो कि लोग इसको सीखते हैं। मैंने भी सीखा है और आज भी मैं बहुत अच्छा डांस नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ बस। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव कमेंट कीजिए। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, जितने भी सोशल मीडिया सपोर्टर्स हैं मेरे, वो सारी बातें समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आई होप कि आप लोग रिपोर्ट भी करोगे इस आईडी पे, क्योंकि कल जो इन्होंने गाली लिखा है इसके बाद मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। नो डाउट बहुत लोग ये कमेंट पढ़ रहे होंगे लेकिन किसी ने रिप्लाई या फिर कोई भी चीज़ें नहीं की। तो हाँ, जब इन्होंने गाली वाला जो लिखा था ना, तो वो मैंने तुरंत हाइड कर दिया था, जैसे आया था मैं पढ़ी और हाइड कर दी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के। लेकिन ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, हमारी फैमिली भी सोशल मीडिया पे है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए और बस, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। सो अब जा रही हूँ मैं, खाना खाऊंगी, फिर खाना खाने के बाद फिर मे भी हो सकता है तो आइसक्रीम वगैरह खाने जाएं हम लोग, होप सो। तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, प्रिशा कहाँ जा रही हो? आइसक्रीम खाने। हाय हाय हाय, आइसक्रीम खा रहे हैं, इसको लग रहा नीचे कब मैं भागूं। हाँ उसके इधर वाले क्लिप देखो कैसे हो गए हैं बाल के, इस साइड वाला नहीं तो लगाया तो उन्होंने ठीक ही रहा, वो उसने बाल अपना ये कर लिया ना सिर। Okay.
इतनी रात में बहुत दिन के बाद हम लोग निकले हैं। ये सिंदूर देखो कैसे हो गया। हाँ पूछो। ये देखो इधर पार्क है, हमारे घर के जस्ट सामने है ये पार्क। कुछ वीडियो तो मैं यहीं आके शूट करती हूँ। एक पार्क और है जो मतलब वो 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। देखो पीछे तो बंद कर दो।